हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक मोबाइल यूज़र हैं, मोबाइल से अपना यूट्यूब चैनल ऑपरेट करते हैं, उसमें सब कुछ आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही करते हैं, तो आपको पता ही होगा कि मोबाइल यूज़र्स के लिए यूट्यूब पर नए नए अपडेट आते रहते हैं। यूट्यूब नए नए अपडेट मोबाइल यूज़र्स के लिए लाता रहता है, और आज यूट्यूब के 3 बड़े नए अपडेट आए हैं जो मोबाइल यूज़र्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, मेरी लास्ट वीडियो पर जिसका सबसे पहला कमेंट था, उसका चैनल आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, तो प्लीज़ जाके इनके चैनल को सपोर्ट करें। और इनके चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके भी आप इनके चैनल को जरूर चेकआउट करें और अपना पूरा पूरा सपोर्ट करें। अब वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसे ऑल पे सेट कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो अपडेट है वो अपडेट है आपकी लोकेशन और प्लेस के बारे में। तो जैसे आप यूट्यूब पर कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं, मान लीजिए आपने बाहर लोकेशन पे शूट किया और आप वहीं से अपलोड कर रहे हैं, तो अब आप जैसे ही अपलोड करने जाएंगे, तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस के अंदर जहाँ पे आप वीडियो अपलोड करते हैं उसमें आपके टाइटल टैग्स डिस्क्रिप्शन डालते हैं, वहीं पे आपको नीचे ऑटोमेटिक प्लेसेस का एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आप अपनी लोकेशन दिखाना चाहते हैं तो उस पर टिक कर सकते हैं, और अगर आप अपनी लोकेशन हाइड करना चाहते हैं तो उस पर अनटिक करके आप अपनी लोकेशन को हाइड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही कमाल का फीचर है जो काफ़ी सारे चैनल पर दे भी दिया गया है, और अगर आपके चैनल पर अभी तक नहीं मिला है तो बहुत जल्द आपको भी ये फीचर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरे फीचर के बारे में, जो YT स्टूडियो के अंदर किया गया है ये अपडेट। तो ये क्या अपडेट है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इस नए अपडेट के बाद आप अपने YT स्टूडियो के अंदर अपना नाम चेंज कर सकते हैं, उसमें बैनर चेंज कर सकते हैं, लोगो चेंज कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपना डिस्क्रिप्शन में भी एडिट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर है जो आपको YT स्टूडियो के अंदर कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं तीसरे अपडेट के बारे में। इस अपडेट पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि आपके YT स्टूडियो के अंदर जहाँ पे ओवरव्यू का ऑप्शन होता है, जहाँ पे आपके सारे व्यूज़ आपको दिखाई देते हैं, वहाँ पे एक ऑप्शन ऐड कर दिया जाएगा जिसका नाम है डाटा स्टोरी और डाटा रिकमेंडेशन टैब। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो चीज़ें दिखाएगा, डाटा रिकमेंडेशन की सारा एनालिटिक्स दिखाएगा कि आपकी किस वीडियो को YouTube रिकमेंड कर रहा है, लोगों को उस पर कितने व्यूज़ आ रहे हैं, रेगुलर कितने व्यूज़ आ रहे हैं, वो सब आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि मेरे इस टॉपिक पे अगर मैं वीडियो बनाऊँगा तो इससे लोग ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं। तो इस पर अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, बहुत ही जल्द ये आपको अपने यूट्यूब चैनल के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये तीनों अपडेट थे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये अपडेट कैसे लगे। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कह रही है, फिर भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।